एक व्यापारी अपने गधे पर रोज नमक बेचने शहर जाता था। वह नमक के भारी भारे गधे पर लाद देता और गधा उसको शहर ले जाने के लिए नदी पार करता था। एक बार नमक बेचने वाला गधे पर नमक लाद कर नदी पार कर रहा था, तभी गधे का पैर लखड़ा जाता है और गधा नदी में गिर जाता है। अब नमक की सारी बोरी गीली हो चुकी थी, जिसमें से काफी नमक पानी में ही घुल चुका। गधे का वजन अब काफी हल्का हो चुका था। अगले दिन गधा नदी पार करते वक्त फिर गिर जाता है और नमक घुल जाता है, वजन हल्का हो जाता है। ऐसा ही गधे ने लगातार 7 दिन तक किया। अब गधा रोज इस वजह से खुश था, लेकिन अब गधे के मालिक को उसकी चाल समझ आ चुकी थी। तभी उसने गधे को सबक सिखाने की सोच। इस बार उस गधे पर कॉटन रूई से भरे बोरे लादे गए, जो कि बहुत हल्के थे। गधे को रास्ते में नदी मिल गई, उसने अपनी वही चाल फिर चली, लेकिन इस बार जब वह पानी से उठा तो उसका वजन काफी भारी हो चुका था और गधे का सिर चकरा गया कि इस बार हल्का क्यों नहीं हुआ। गधे ने हल्के वजन को भी हल्का करने के चक्कर में उसे पानी में गिला करके सारी रुई भारी करी थी। अब गधे को सबक मिल चुका था, उस दिन के बाद गधे ने कोई चाल नहीं चली। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। कृपया कमेंट में बताएं। मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए कृपया अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।